पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले इस मैच में शदीद गर्मी के बावजूद 4000 से ज़ायद शायकीन ने शिरकत की। सन 2009 में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर मैच खेलने वाली पहली बैनुल अक्वामी टीम बन गई है। अफगानिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान के मुताबिक इन्हें पाकिस्तान में खेलकर बेहद खुशी है। जबरदस्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतमईन हूँ। मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक के तालिबे इल्मों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे हौसले बुलंद किए और दोनों के ताल्लुकात की बेहतरी के लिए ये मुकाबला अहम है। दूसरी जानिब सीरीज का पहला मैच जीतने पर पाकिस्तान ए टीम के कप्तान का कहना है कि इन्हें बाकी दो मैचेस जीतने के लिए बैटिंग पर मजीद तवज्जो देनी होगी। मैं टीम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूं क्योंकि बैटिंग में थोड़ा हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी है जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया दरमियान में है। क्रिकेट के दिलदादा हजरात इस मैच के तवसत से दोनों ममालिक के माबेन मुस्तहकम और दोस्ताना ताल्लुकात परवान चढ़ते हुए देखते हैं। ये बहुत एक अच्छा मैसेज जा रहा है इंटरनेशनल आईसीसी को भी और इंटरनेशनल टीम को भी कि पाकिस्तान एक क्रिकेट लविंग कंट्री है। हमारे अफगानी का टीम और पाकिस्तानी का इन्होंने मैच हो गई और हमारे नज़र में ये नहीं है कि आरती और जितना का बात, सिर्फ एक है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोनों मुल्कों में इसमें बहुत बहुत ज़्यादा तासीर है और अहम है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हम जिंदाबाद कहते हैं दोस्ती को, तो ऐसे आइंदा भी होने चाहिए, ऐसे सीरीज दोबारा भी आना चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसे सिक्योरिटी के कोई खदशात नहीं है, यहाँ पे सारे एंजॉय कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान इस तरह के बैनुल अक्वामी खेलों का इनेकाद पाकिस्तान के तशख्स की बेहतरी के लिए खुशाइन बात है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के 3 एक रोजा मैचेस के पाकिस्तान में इनेकाद से बैनुल अक्वामी सतह पर पाकिस्तान में खेलों के फरोग को वसअत मिलेगी। अनीजा इलियास, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद।